अगर इस वीडियो ने तेरे अंदर बवंडर पैदा ना किया तो इसे खुले मन से डिसलाइक मारकर अपना सारा गुस्सा उतारना। लेकिन अगर इस वीडियो ने तेरे अंदर का तूफान जगा दिया तो लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे मेरी मेहनत का इनाम जरूर देना। एक बंदा 21 साल की उम्र में बिजनेस में फ्लॉप हुआ, 22 साल की उम्र में इलेक्शन में हारा, 24 साल की उम्र में फिर से बिजनेस में गंदी तरह फ्लॉप हुआ, 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी की डेथ हो गई, 27 साल की उम्र में मानसिक संतुलन खो बैठा, फिर 34 साल की उम्र में कांग्रेस से चुनाव हार गया, 45 साल की उम्र में सीनेट का चुनाव हारा, 47 की उम्र में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हारा, 49 साल की उम्र में फिर से सीनेट का चुनाव हार गया। लेकिन साला पागल जिद्दी था ना, जो 52 साल की उम्र में अमेरिका का प्रेसिडेंट बनकर दिखाया। नाम अब्राहम लिंकन, जिसने पूरी दुनिया को गलत साबित करके बताया कि तुम कितने ही बदकिस्मत क्यों ना हो लेकिन फिर भी तुम कर सकते हो। कैसे? जिद पालकर। पता है हम लोग जल्दी हार क्यों मान लेते हैं? क्योंकि हम लोग जरूरत से ज्यादा और वक्त से पहले भीख मांगने लगते हैं। लेकिन हम पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि इस भीड़ में जीतेगा वही जो धैर्य के साथ लगा रहेगा। वरना साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करने के बाद भी पार्ट टाइम वॉचमैन की नौकरी करने वाला वो बंदा, जिसके अंदर एक एक्टिंग का कीड़ा था, जिसने सक्सेसफुल होने की नहीं बल्कि स्ट्रगल करते रहने की कसम खाई थी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कीड़ा था, एक्टिंग का कीड़ा। छोटे मोटे रोल स्टेज शो करते रहने वाले इसी बंदे को जब सलमान खान की किक मूवी का ऑफर मिला तो इस बंदे को विलन का रोल मिलने के बावजूद भी खुद को स्टार बनाया, जिसे आज हर कोई नवाजुद्दीन सिद्दीकी के नाम से जानते हैं। चाहता तो ये भी काले गोरे में फर्क करते रहने वाली बॉलीवुड इंडस्ट्री में खुद को काला मानकर हार मान सकता था, लेकिन प्यार था उसे अपने स्ट्रगल से। वरना हम लोग तो सीधा अमीर होने के सपने देखते हैं, मरते दम तक स्ट्रगल करते रहने के बारे में हम लोग सोचते ही कहाँ हैं। हम लोगों में से कुछ ढीठ और जिद्दी लोग होते हैं जो अपने ख्वाबों के लिए अपने सारी मौज मस्तियों की कुर्बानी देते हैं। शायद इसीलिए एक नोवेल लिखने वाली लड़की, जिसकी माँ उसे जवानी में अलविदा कह गई थी, यही नहीं अपनी शादी के 13 महीने बाद ही एक दिन उसके पति ने सुबह 4 बजे अपनी 1 महीने की छोटी बच्ची के साथ उसे घर से भगा दिया था। लेकिन इस लड़की में आग थी कुछ कर दिखाने की। पूरा पूरा दिन अपनी छोटी बच्ची के साथ कैफे में बैठकर नोवेल लिखने वाली इसी लड़की ने अपनी मौज मस्तियों की कुर्बानी देकर हैरी पॉटर की नोवेल लिख डाली। वो लड़की आज जेके रॉलिंग के नाम से पूरी दुनिया में फेमस है, जिसने पूरी दुनिया को गलत साबित किया। पता है गलती हौसला गिराने वाले लोगों की नहीं है, गलती हमारी सोच की है। क्योंकि हम लोग कोई काम को बीच में अधूरा तभी छोड़ते हैं जब वो अपनी सोच को नेगेटिव बना लेता है। वरना मेरा यकीन मानो, सोचने की ताकत में इतना दम है कि जो गलत को भी सही कर देती है, और इसका उल्टा सही को गलत, जिसे दुनिया किस्मत और बदकिस्मती का नाम देती है। वरना अपनी टीम इंडिया का टॉप क्लास बॉलर जसप्रीत बुमराह भी ओवर कराते समय यही सोचता कि वो 6 की 6 बॉलें यॉर्कर नहीं करा पाएगा तो आज वो वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर नहीं होता। अगर उसकी 1 बॉल पर छक्का भी लग जाए तो फिर भी उसके चेहरे पर धैर्य और स्माइल रहती है, जो उसकी पॉजिटिव सोच को दिखाता है। अरे सोच बड़ी करो ना यार, आधी सफलता तो हमें तभी मिल जाएगी। ये एक 4 साल के छोटे गरीब लड़के की बड़ी सोच ही तो थी, जिसकी माँ गरीबी से मजबूर होकर अपने बच्चे को अपने अंकल आंटियों को दे दिया। उस छोटे बच्चे का वो बचपन जिसमें बच्चे बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के खेलते कूदते हैं। अपना बचपन पूरी तरह से खो देने वाले उसी बंदे ने अपनी ग्रेजुएशन भी सेकंड ईयर में छोड़कर कुछ बड़ा करने की सोच बना ली। आज वही लैरी एलिसन ओरेकल कंपनी का मालिक है। चाणक्य हमेशा कहते थे, जिस बंदे के कंधों पर कम उम्र में ही गरीबी और जिम्मेदारियों का बोझ होता है वो उतने ही जल्दी समझदार भी बनता है। वीडियो के एंड में बस इतना ही कहूंगा, जब भी तुम्हारी हिम्मत टूटने लगे या तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी आने लगे तब याद रखना, उसी समय किसी कोने में कोई बंदा इस नेगेटिविटी को इग्नोर करके फिर से मेहनत पर लग गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर देना।